सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीआरएस संतोष को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तत्पश्चात आप ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इससे आपको हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, आज मनरेगा से एक छोटा सा अपडेट लेकर आया हूँ जो बहुत ही आवश्यक है, जिसमें केंद्र सरकार ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, तब तक हर जिले में 75 नए जलाशय तैयार करने का सुझाव दिया है। यह काम मनरेगा के जरिए पूरा करने की बात कही गई है, ताकि रोजगार भी पैदा हो सके और जल संकट से भी बचा जा सके। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के सचिवों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचयन को लेकर फिर से याद दिलाई है कि इस काम को शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे राज्यों में जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी बनेगी और उनके लिए खुद का प्रदर्शन साबित करने का यह एक अच्छा मौका होगा। जल संचयन को लेकर पिछले वर्षों में कई स्तर पर काम भी शुरू हुए। खुद मनरेगा के तहत भी पिछले 1.5 दशक में बड़ी संख्या में तालाब निर्माण कार्य हुए हैं, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण बड़ी संख्या में बेकार भी पड़े हैं। इनमें से कुछ काम अच्छे भी हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2020 के बीच केवल इस काम में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन नतीजे संतोषजनक नहीं हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री ने अमृत वर्ष में फिर से याद दिलाया है। सूत्रों के अनुसार तालाब के निर्माण में इसका भी ध्यान रखा जाना है कि वह तकनीकी रूप से सटीक हो। बताने की जरूरत नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट के कामकाज की समीक्षा का यह भी एक उदाहरण बन सकता है। इसे सीधे तौर पर मनरेगा से ही जोड़ने का निर्देश है, ताकि ग्रामीण रोजगार को भी बल मिल सके। जल संचयन के लिहाज से यह काम अहम होगा, क्योंकि एक झटके में लगभग 60,000 जलाशय मानसून के वक्त तैयार हो सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा कार्यक्रम होगा जब पूरे देश में इकट्ठा कोई ऐसी कवायदत शुरू होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के गंगा क्षेत्र में तो प्राकृतिक और भौतिक रूप से पर्याप्त जल है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जैसे क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से तो जल मौजूद है, लेकिन भौतिक रूप से थोड़ी कमी है। सबसे ज़्यादा परेशानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में है, जहां इसकी सर्वथा कमी है। इस लिहाज से यह योजना बहुत ही सार्थक साबित होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।